हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री अन्नपूर्णेश्वरी में। और दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एलोवेरा का पराठा। और ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये हेल्दी भी है। आप सबको पता ही है एलोवेरा कितना हेल्दी है हमारे सेहत के लिए। पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 6 एलोवेरा का छोटे छोटे पीसेस। और ये मीठा एलोवेरा है। मीठा एलोवेरा खाने कलर में थोड़ा हल्का रहता है और कड़वा एलोवेरा कलर में थोड़ा गाढ़ा रहता है, इसलिए देखकर चेक करके एलोवेरा को लीजिए। देखिए, हमने एलोवेरा का ऊपर का छिलका निकालकर इसका गूदा निकालकर रख लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें गूदा निकालकर रखना होगा। बाद में हम इसका मिक्सी में पेस्ट कर लेंगे। इसका थोड़ा छिलका रह गया है, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं करेगा, ये भी हेल्थ के लिए अच्छा ही है। पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम गेहूं का आटा और आधी कटोरी मिक्सी किया हुआ एलोवेरा का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन, 1/2 टीस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, मिक्सी किया हुआ ऑनियन का पेस्ट, हरा धनिया का पेस्ट, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 5-6 कूटे हुए हरी मिर्च, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, जीरा 2 टीस्पून और थोड़ा सा हींग। हम आटे को तैयार करेंगे। इसी में डालेंगे एलोवेरा का पेस्ट, हल्दी और नमक, नमक स्वाद अनुसार ही डालें, ऑनियन का पेस्ट, हरा धनिया का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट दरदरा कूट लिया है मैंने, लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी क्रश किया हुआ, जीरा और इसी में हींग है, हींग थोड़ा ही डालें और धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आटे को टाइट ही गूंदना है, ज्यादा आटा ढीला नहीं रहना चाहिए और पानी भी ज्यादा नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें एलोवेरा का पेस्ट है और ऑनियन का पेस्ट है। देखिए, इस तरह से हमारे आटा टाइट बनना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर 20 मिनट तक आटे को सेट होने के लिए ढककर रख देंगे। देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं। अब आटे का लोइयां तोड़कर रख लेंगे। इतने आटे में कम से कम 7 से 8 पराठे तो बन ही जाएंगे। मैं इसे बेलन से बेलकर इस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर त्रिकोण आकार में बनाकर रख लेंगे। सारे पेड़े को इसी तरह से तेल लगाकर थोड़ा सा ऊपर आटा डाल के इसी तरह से त्रिकोण आकार में बनाकर रख लेंगे हम। देखिए, सारे लोई का इस तरह से त्रिकोण आकार में बनाकर रख लिया है। अब हम इससे पराठा बनाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है, एलोवेरा हमारे सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। इसमें आयरन है, विटामिन सी है और एलोवेरा खाने से हीमोग्लोबिन की कमी भी दूर होती है और इससे शरीर में खून की कमी भी दूर होती है।
और ये पराठा खाने में बहुत टेस्टी है, आप एक बार घर में जरूर ट्राई करके देखिए। देखिए हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब हम इस पे पराठा को डालकर थोड़ा सा ऑयल लगाकर सेकेंगे। एक बार घर में जरूर ट्राई करिए ये पराठा और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कैसा बना। ठीक है, अब हम इसे पलट लेंगे। ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है, हम इसे दही के साथ सर्व करेंगे। इसे हरी चटनी के साथ खाने से बहुत टेस्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।